31 जनवरी तक कुछ डिस्काउंट निकले हैं, 10% डिस्काउंट का ऑफर है। हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारे पास अंकित आए हैं जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं। 2018 से पास आउट किया था इन्होंने। क्या कोर्स किया था अंकित आपने तब? ऑटोकैड और सॉलिड वर्क। अच्छा, ऑटोकैड और सॉलिड वर्क से आपने किया था। और क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? डिप्लोमा मैकेनिकल से। डिप्लोमा। उसके बाद आपको जॉब मिली थी ऑटोकैड सॉलिड वर्क के बाद? मैंने कहीं ट्राई नहीं करा था और हाँ। अलग लाइन में चले गया था मैं। अच्छा, लाइन ही आपने पहले अलग मैंने ले दो ली। तीन महीने मैंने ट्राई करा ठीक अपने है, वेज से ही, फिर मैंने ओके। अलग लाइन में चले गए मैं। दो तीन साल काफी, जब से मैं अलग लाइन में कर रहा हूँ। अच्छा फिर मम्मी ने कहा था कि जहाँ से सिखाते हैं ना तो हाँ। एक बार वहीं जा, तो अच्छा अभी मैंने कुछ दिन पहले ही मैडम से कांटेक्ट करा था, तो अच्छा, आज जो जॉब लग हमारी गई। प्लेसमेंट वाली मैडम है उनसे आपने कांटेक्ट किया, ज्योति मैडम से। तो उन्होंने आपके इंटरव्यूज, मतलब उन्होंने आपको पूछा था कि आप यहाँ के स्टूडेंट हो या नहीं पूछा हो? अच्छा, तो था। आपने कुछ प्रूफ दिया था कि आप यहाँ के स्टूडेंट हो? हाँ बताया था मैं, 2018 में मैं कर चुका हूँ यहाँ से कोर्स। अच्छा, तो फिर उन्होंने आपको क्या बोला कि आप तो 2018 के पास आउट हो, पुराने स्टूडेंट हो? क्योंकि हमारे मैंने पास तो नए स्टूडेंट भी बहुत होते हैं जिनमें सबकी प्लेसमेंट करानी होती है। जॉब फिर ढूंढी थी मैडम, 3-4 महीने मैंने गुड़गांव में गया था, ट्राई करी थी, जॉब नहीं मिली मुझे। अच्छा। फिर मैंने अलग लाइन में चले गया मैं, फिर वहां जॉब करता रहा मैं, फिर वहां से मैंने दूसरी लाइन चेंज कर दी, फिर ठीक है। कोविड भी आ गया, फिर उसके बाद 2 साल और भी ड्यूटी करी मैंने अलग, फिर ठीक है। वहां से भी छूट गई। फिर घर के कह रहे कि इतना डिजाइनिंग सीखी है, जहाँ से सीखी है तो वहीं जाए एक बार, ठीक वहां से है जॉब मिल जाएगी। तो ठीक है। मेरे आप कब आए को थे फिर आरबीएम कैट अभी दोबारा 2023 कुछ में? दिन पहले, मतलब 1 महीना हो गया होंगे, पंद्रह अच्छा दिन भी, इतने दिन कंप्लीट ठीक है। आपने प्लेसमेंट में प्लेसमेंट कांटेक्ट किया कि? को कॉन्टेक्ट किया ज्योति मैडम से। मैडम अच्छा। ने कहा था हम लाइफ टाइम बच्चों के साथ रहते हैं, सिखाने में भी और जॉब के लिए भी साथ गुड। रहते हैं। फिर हाँ मेरा दूसरा इंटरव्यू आया और अच्छा, दूसरे दूसरे में क्लियर हो गया। में क्लियर हो गया। ओके, तो क्या प्लेसमेंट आपकी डिजाइनिंग में ही हुई है? हाँ, सॉलिड वर्क डिजाइनिंग हुई थी, ओके, तो कौन विंस सी कंपनी है? ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट विंग्स ऑटोमोबाइल। प्राइवेट। ओके, तो वहां पे इंटरव्यू में क्या पूछा गया आपसे? इंटरव्यू में एचआर सर थे, उन्होंने मुझे एक पीस दे दिया और बोला आपको डिजाइनिंग आती है तो ये लो माइक्रोमीटर और इस पीस को तुम बना के दिखाओ। तो ओके, तो मेजरमेंट मैंने, लेने आपको आते थे? हाँ, है मुझे मेजरमेंट मेजरमेंट आने चाहिए, ये तो आते थे। कंपलसरी हाँ है। अच्छा, तो तो मेजरमेंट मैंने लेके बना आपने दी। ड्राइंग बना दी। बना दी, ओके, कितने टाइम में बन गई थी आपकी ड्राइंग? 1.5-2 घंटे लग गए होंगे डेढ़ दो पूरा एक घंटे पार्ट लग गए। बनाने में। हाँ। अच्छा, पूरा पार्ट ठीक बन गया था आपका, इंटरव्यू क्लियर हो गया। उसके अलावा उन्होंने ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा? हाँ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं पूछा। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो अब ज्वाइनिंग कब से है आपकी? परसों से मैडम, परसों कल की से। तो छुट्टी है कल ना, की तो छुट्टी है। हाँ, परसों से परसों उन्होंने आपको ज्वाइनिंग दे दी है। ठीक है जी, बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप से। काम करो, फर्दर कुछ भी आपको सपोर्ट चाहिए होगा तो आपके लिए आरबीएम कैट हमेशा आपका वेलकम करता है। आप मिठाई लेके आए, थैंक यू सो मच। आप सब स्टाफ को खिलाओ, ठीक है? अभी भी अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हो, आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप आके पूछ सकते हो। और भी कुछ नए सॉफ्टवेयर आपने नहीं, ऐसे करना मैं है? आया हूँ एक दो बार पूछने के लिए, तो भी मुझे अच्छा, बताया। बताया और है मैं ना। बीच में भी एक बार सॉलिड वर्क डाउनलोड करवाने के लिए आया था, एक मोटे सर थे, नाम नहीं पता मुझे, उन्होंने डाल के दिया मुझे। हाँ हाँ, ठीक है, पहले सॉलिड आईटी के वही सर वर्क। थे, उन्होंने डाल के दिया होगा आपको। हाँ ठीक है, हम तो देखो स्टूडेंट के सपोर्ट के लिए ही बैठे हैं। स्टूडेंट हैं तो हम हैं, आप लोगों से ही है नहीं, आरबीएम मेरे से कैट। तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि इन्होंने हाँ, मना कराओ, कभी भी मेरी नहीं तो हेल्प करी मना, है। बिल्कुल। देखो, पूरे स्टाफ को क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है कि स्टूडेंट को आपने सपोर्ट करना ही करना है, क्योंकि स्टूडेंट अगर हमारे पास किसी ट्रस्ट से आ रहा है तो वो चीज होनी चाहिए। ठीक है, वो काम होना चाहिए। ये बात ठीक है, ओके अंकित, कॉन्ग्रेचुलेशंस है। एंड बेस्ट ओके ऑफ लक। और जो नए स्टूडेंट्स आने हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि नया सेंटर हमारा बन गया है मथुरा रोड पे। ऑलमोस्ट 15 फाब तक सब वहां पर शिफ्ट हो जाएगा। और उससे पहले 31 जनवरी तक कुछ डिस्काउंट निकले हैं, 10% डिस्काउंट का ऑफर है। जो भी स्टूडेंट अभी ज्वाइन करेंगे उनको 10% फ्लैट ऑफ मिल रहा है, और ये वैलिड है सिर्फ आपका 31 जनवरी तक। मे बी नेक्स्ट ईयर में जब हम उस सेंटर पे शिफ्ट हो जाए, प्राइसेस और इंक्रीज हो जाए, तो आप समझ के चलो कि ऑलमोस्ट आपको 20% का ऑफ मिल रहा है, क्योंकि 10% जो इंक्रीज होना है और 10% आपको ऑलरेडी अभी जो प्राइस है उसके ऊपर ऑफ मिल रहा है। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट चाहे उनको कोर्सेज जो है फेब में स्टार्ट करने हो, चाहे मार्च में स्टार्ट करने हो, अगर वो एनरोलमेंट करा लेते हैं, कुछ रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, नॉमिनल्स है 2000 जो कि आपकी फीस में ही इंक्लूडेड होता है, तो उस पे उनको डिस्काउंट मिल जाएगा। और नंबर्स आपके पास होंगे ही सही आरबीएम कैट के, बाकी नंबर इस वाले वीडियो में भी आपको फ्लैश होंगे। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है किसी भी कोर्स के लिए तो नंबर अभी दिए जाएंगे, आप उनके ऊपर कॉल करके ऑनलाइन पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।